हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन टू द होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन टू द होल स्क्वायर। ओके, अब ये सब वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें, तो ये अगर मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पॉइंट से चाहिए हमें, वाई एक्सिस से चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है यहाँ पे बी। ओके, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो बी जीरो, और यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए एक ऐसे पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट है ए बी सी। तो यहाँ से डिस्टेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू क्या है, एक्स टू है जीरो, तो यहाँ पे हो गया जीरो माइनस, या फिर ए माइनस जीरो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस। अब ये हो गया बी, बी माइनस बी, ये क्या हो गया जीरो, जीरो टू द होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा c माइनस जीरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया c माइनस जीरो टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या आ गया, d इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गया किसके बराबर, ये होगा डिस्टेंस d जो कहाँ से है, ए बी सी पॉइंट से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो और जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।